हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक टिफ़िन बैग लेके आई हूँ, जो कुछ इस तरह से है। इसको हमने इस तरह से खोला, इसमें आज हमने डोरियाँ लगाई हैं और इसके बाद हमारा इसमें एक फ्लैप है जो हमारे टिफ़िन बॉक्स को कवर रखता है। और इसको हम बस इस तरह से नीचे करेंगे और ये हमारा टिफ़िन बॉक्स बाहर आ जाएगा, ये देखिए। और फिर इसको हम बंद करके आसानी से रख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों सभी के लिए बड़ा सुविधाजनक है कि इसमें कोई जिप नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई वेलक्रो नहीं है। बस इसको खोलना और बंद करना है और इसमें बहुत ही स्मूथ तरीके से डोरी डाली गई है कि आसानी से ये खुल बंद हो सकता है। और साथ ही हमने इसमें यहाँ पर एक फ्लैप दिया है जो हमारे टिफ़िन बॉक्स को कवर भी ऊपर से रखेगा। और इसके अंदर फोम है और ये नॉन वूवन है तो ये वाटरप्रूफ भी होता है। तो ये जो भी इसके अंदर का मटेरियल है वो गिरेगा नहीं और सीधा एकदम हमारा टिफ़िन खड़ा रहेगा। और इसका जो बेल्ट है वो भी हमने बहुत सूटेबल दिया है, ये देखिए, ये इस तरह से बंद हो गया। और बेल्ट हमने इस तरह से दी है कि इसको हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का लंच बॉक्स बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 8x18 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 6x6 का 2 पीस क्विल्टेड, 8x9 इंच का 2 पीस फैब्रिक, 1.5 इंच x11 इंच 2 पीस पाइपिंग, 18 इंच 2 बेल्ट, 22 इंच 2 पीस डोरी। सबसे पहले हम लेंगे एक टिफ़िन बॉक्स जो आमतौर पर इसी साइज़ के होते हैं। मेरे पास टिफ़िन बॉक्स नहीं था लेकिन मुझे कवर बताना था तो मैं ये साइज़ लेके आई हूँ। और इसी के आइडिया से आप अपना भी कवर बना सकते हैं। तो इस पहले चाहिए टिफ़िन बॉक्स, तो उसको हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे कि बॉटम से उसका साइज़ लेंगे तो एक्यूरेट आएगा हमारा 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम इसको सीधे 6x6 का एक पहले क्विल्टेड पीस लेंगे क्योंकि हमको कटिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 6x6 का एक पीस लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे और सिंपल इसमें हम एक लाइन खींच लेंगे चारों तरफ। जो इसका बॉटम का एरिया है उसको हम चौक से निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये हमने निशान जो लगाया है, अब इसके हम बाहर बाहर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। एक दूसरा 6x6 का पीस लेंगे, उसमें जो टॉप का एरिया है उसको रखेंगे और उसको भी खींच लेंगे। अब ये जो दूसरा पीस है इसमें हम यहाँ पर 2 इंच पर एक जगह पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए एकदम एक्यूरेट 2 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं और इसको कट कर लेंगे। इसको जो निशान लगाया है उसी पर कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब इसमें इस जो बॉटम वाला एरिया था उस पर एक निशान लगाएंगे और इंच टेप की मदद से इसका जो सर्कल है उसको मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 17। हमने पीस लिया था 8x18 का, तो जो ये 8 इंच है ये हमारे बॉक्स की लंबाई है। तो यहाँ पर ये 6 इंच आ रहा है, हमने 8 इंच लिया है। थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि इसके साथ हो सकता है हमें कभी कुछ और छोटा बॉक्स रखने की ज़रूरत पड़ जाए या नैपकिन वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ जाए या हैंकी रखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा लिया है। तो ये अब हमारी तैयारी हो गई। हमने डोरी लिखवाई थी 22 इंच की, 2 डोरी हमारे पास हैं और एक हमने लिखवाया था 8x9 इंच का 2 पीस फैब्रिक और 1.5 इंच x11 इंच के 2 पीस पाइपिंग। तो अब हम इसकी पहले तैयारी करेंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर 9 इंच का एरिया है तो इसको हमने इस तरह से लिया है, ये भी बता दूँ कि ये हमारा 18 इंच है। इसकी जो लंबाई है पूरी लेंथ है 18 इंच है, तो इसको जस्ट हाफ करके हमने यहाँ पर 9 इंच के 2 पीस लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम 9 इंच एरिए से 2 इंच डाउन जाएंगे, एक लाइन खींचेंगे,
फिर 1 इंच डाउन जा कर के फिर एक लाइन खींचेंगे। अब ये यही निशान हम इसमें भी लगा लेंगे, दूसरे पीस में 2 इंच डाउन जाएंगे और अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये निशान जो लगाया है तो इसमें हम दूसरे साइड में ऊपर का हिस्सा इतना मोड़ के सिल देंगे। वन एंड हाफ इंच का पाइपिंग लेंगे और इसको यहाँ डबल करके सिल देंगे। और ये जो 11 इंच मैंने बताया है, अब ये जो हमने पीस बनाया 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था, तो इसमें हम करीब सिलाई का मार्जिन किनारे किनारे छोड़ते हुए इसको हमें इस तरह से देखना होगा कि ये हमको यहाँ पर डोरी डालने के लिए बस मिल जाए। तो हमको मोड़ने पर ये इतना मिल रहा है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये कट कर दिया और यहाँ पर निशान लगा देते हैं और बस उतना ही मोड़ के इसको भी सिल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको सिलेंगे तो ये हमारा सिलाई में नहीं आएगा और हमको डोरी डालने की जगह मिल जाएगी। और ये जो पीस अब हमने तैयार किए हैं इसको यहाँ रख करके और सिल देंगे। तो पहले ऊपर वाले हिस्से में जोड़ेंगे जो 2 इंच डाउन है, तो अपने आप एक सही मेजरमेंट आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे और यहाँ पर हल्का सा मोड़ते हुए सिल देंगे। ये दोनों डोरी वाले पीस अंदर रखते हुए इसको दोनों साइड से पैक कर देंगे। पैक करते समय ये ध्यान रखना होगा कि ये हमारे सिरे ना बंद होने पाए। सीधा करेंगे और ये जो सिलाई है इस पर हम एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे, इससे मजबूत भी हो जाएगा। और अब हम ये जो हमारे पास बॉटम का पीस है इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो अभी हमें किनारा नहीं इसका जोड़ना है, तो ये जो हमने निशान लगाया था मेजरमेंट के लिए वहीं से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे करीब 1/2 इंच छोड़ते हुए। अब जहां से शुरुआत की थी बिल्कुल नीडल हमने वहीं लाके रोकी है। अब इसको इस तरह से बराबर करेंगे और ये हमारा जो 1/2 इंच इधर बढ़ रहा है इसको छोड़ते हुए, ये क्योंकि बढ़ा हुआ पीस है और हमने बढ़ा के ही लिया था, अब इसको यहाँ पर हम सीधा सिल देंगे और इसको हम सीधा करेंगे। इसको कट करने से पहले, ये जो हमने अभी सिला हुआ छोड़ा है इसको कट करने से पहले हम अपना बॉक्स डाल के देखेंगे। ये देखिए बॉक्स हमारा बहुत आसानी से चला गया, यानी कि ये एकदम परफेक्ट सिला है। अब इसको हम वापस उल्टा करेंगे और जितना ये बढ़ा हुआ है इसको डबल सिलाई करने के बाद कट कर देंगे। सीधा करके और ये जो हमारा बॉटम का हिस्सा है पहले इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे।
अब हमारे पास जो हमने दूसरा सर्कल पीस काटा था इसमें हम चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से ये तैयार करने के बाद वापस हम अपना मेन पीस लेंगे और ये जो हमने जॉइंट लगाया है यहाँ पर इसको इस तरह से सिल देंगे। ये दोनों पीस हमारे सीधे आने चाहिए और इसको सेंटर में रखते हुए सिल देंगे और इसको इस तरह से सिलना है कि ये जो सर्कल हमारा आ रहा है ये देखिए ये इस पर हमारी सिलाई आनी चाहिए ताकि ये पूरा हमें सर्कल मिल जाए और ये इतना हमारा सिलाई में चला जाए। तो अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख के जोड़ देंगे। ये जो सिलाई हमने की थी ये जॉइंट किया था इसको जोड़ दिया फ्लैप को तो इस ये जोड़ हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस जोड़ से हमें 1.5 इंच ये हमारा जॉइंट है और 1.5 इंच हम इधर निशान लगाएंगे 1.5 इंच टोटल यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 इंच का होना चाहिए। इस जॉइंट को पकड़ते हुए इसका सेंटर इधर निकाल लेंगे ये हमारा सेंटर है और सेम मेजरमेंट इधर भी करेंगे 1.5 इधर 1.5 इधर सेंटर से और इसको हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाए हैं। अब ये जो हमने 3 इंच पर निशान लगाए हैं इसमें हम अपनी डोरी लगाएंगे तो डोरी को एकदम सेंटर पे रखिए और जोड़ दीजिए सॉरी बेल्ट। और बेल्ट जोड़ने के बाद अब हम वापस अपना जो हमने शुरू में तैयार किया था इस पीस को लेंगे। इसको सीधा करने के बाद ये जो सिलाई वाला सेंटर था और ये दोनों सेंटर मिला के अब इस साइड हमें सेंटर निकालने होंगे तो इसको यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर निकालने के बाद इस पीस को हम लेंगे और ये हमारी दोनों सिलाई जो है इस सेंटर के साथ सिली जानी चाहिए। तो अब हम इस पूरे बैग को इसमें डालेंगे और इस सिलाई के साथ जो हमने इसमें सेंटर निकाला था अभी उसको मिलाते हुए पूरा जोड़ देंगे चारों तरफ से। अब इसको सीधा करेंगे ये हमने सीधा कर दिया इस तरह से और अब ये जो हमारा जॉइंट है ये देखिए ये जो अंदर सिलाई दिखाई दे रही है इसको हमें इसके साथ इस तरह से इतना चौड़ा करके और यहाँ पे पैक कर देना है। इस तरह से पैक करना है कि ये जो हमारी सिलाई है इसके अंदर पूरी दब जाए। ये देखिए ये है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ेंगे और उसको कवर करते हुए एक चौड़ी पाइपिंग की तरह जितनी अंदर सिलाई है उतनी अंदर इस तरह से इसको मोड़ देंगे तो जो सिलाई हमने यहाँ पे दी है वो भी पूरी छिप जाएगी। तो अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं तो ये पूरा अंदर कर देते हैं अच्छे से। इसको हमें बाहर से सिलना होगा जिससे कि ये हमें दिखाई देता रहे और हैंडल इधर कर देंगे। अब इसमें हम लास्ट हमारा काम है डोरी डालेंगे। ये जो हमने एक डोरी इसमें डाली
इसको इस वाली साइड भी डाल देंगे। ये हमारी डोरी बाहर आ गई और इसके दोनों सिरे, अभी एक डोरी हमारी बाकी है और ये दोनों सिरे मिला करके इसको सिल देंगे। दूसरी डोरी को हम इधर से ना डाल करके दूसरे साइड से डालेंगे और पूरा घुमा करके वापस दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। और ये हमारा टिफिन बॉक्स तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको इस तरह से खोल देंगे, उसी साइज में रहेगा। बॉक्स डालेंगे, ये फ्लैप बाहर कर लेते हैं, बॉक्स डालेंगे, फ्लैप से इसको कवर कर देंगे और इसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। इसको बांध भी सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दें, वो पैक ही रहेगा। और ये हमारा हैंडल हो गया। तो ये था आज का हमारा टिफिन बॉक्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेकर मिलेगी। नमस्कार।